गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों थर्सडे को गए थे कर्नाटका अपने टीवीएस वीगो 110 के साथ। वो एक स्कूटी है तो बहुत सारे राइड हम एनएस स्टूडेंट से करते हैं तो उधर दिक्कत नहीं होती क्योंकि एक एनएस स्टूडेंट प्रॉपर एक मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी बाइक है टूरिंग के लिए। पर एक स्कूटी से दिक्कत होती है जो बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमारे पास बाइक नहीं है तो हम राइड कैसे करें, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। पर ये प्रॉपर मोटरवर्क है इसलिए हमारे मोटरवर्किंग सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाया है और सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप स्कूटी से भी इतनी लंबी राइड कर सकते हो क्योंकि हमारी जो टोटल राइड है वो 540 किलोमीटर की है। हमारे उस स्कूटी ने एक दिन में मतलब 11 घंटों में 540 किलोमीटर कवर की है। और पहले तो हमें डर था कि ये स्कूटी जाएगी क्या नहीं जाएगी क्या नहीं, पर उसने सक्सेसफुली डन कर दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास कौन सी बाइक है वो इतने किलोमीटर डन कर सकती है, कितने भी किलोमीटर कवर कर सकते हैं, सिर्फ बाइक मेंटेन होना चाहिए। और क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है एक स्कूटी के साथ, मतलब 100cc बाइक के साथ या नॉर्मल बाइक के साथ क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और क्या दिक्कतें अपने को फेस करना पड़ते हैं, इतना फ्यूल कॉस्ट आया हमें 540 किलोमीटर के लिए, वो भी सब कुछ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। देख आप वीडियो देख के एंजॉय कीजिए, मैं आपको एंड में मिलता हूँ। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं गाइज 530 किलोमीटर अपने टीवीएस वीगो 110 के साथ। तो आज कुछ हम बड़ा करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक स्कूटी के साथ क्योंकि हर रोज हम एनएस 200 के साथ राइड करते हैं, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो पसंद आ जाए तो आप लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइस ये रही अपनी गाड़ी, इसे लेकर हम जा रहे हैं 530 किलोमीटर अपने टीवीएस वीगो 110। आप देख सकते हो सुबह के बज गए 5 और आप एक देख सकते हो हम निकले सोलापुर के लिए जो हमारे इधर से, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि वो लगभग हमारे इधर से 368 किलोमीटर है शायद, और आगे हम जाने वाले बिदर वो 530 किलोमीटर होता है। और आप देख सकते हो सुबह का नज़ारा यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। अरे मैं गाइस ये आप देख सकते हो, अब हम आए चिपुर में, आप देख सकते हो ये सीधा रास्ता जाता है मुंबई और ये जाता है अपना कराड़ के लिए। तो चलते फटाफट से और सुबह का माहौल आप देख सकते हो। और अपने साथ एक प्लेन भी आने वाला है, ये आप देख सकते हो सुबह। अरे अरे अपनी गाड़ी गाइस अभी आए फ्यूल स्टेशन पर, फ्यूल अप करते हैं, टंकी फुल करते हैं क्योंकि इनकी टंकी सिर्फ 5 लीटर करते हैं। और उनके साथ एक दिक्कत होती है कि ये टंकी 5 लीटर होने के कारण थोड़ा फ्यूल हमें थोड़ा कम मिलता है, तो साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कीजिए। हमें भी 500 किलोमीटर चल रहा है तो हम एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी कर रहे हैं। वैसे तो माइलेज अच्छा खासा देती है गाड़ी, 50 प्लस ही देती है। तो चलते हैं और देखते हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कितना पेट्रोल लगा कितना क्या लगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। गाइस फ्यूल अप हो गया, एक्स्ट्रा भी कैरी कर दिया आप देख सकते हो। गाइस नाउ वी आर इन कराड़, आप देख सकते हो गाइस अब मैं पीछे बैठा हूँ और
राइट दे रही है अपनी बाइक। फाइनली हम पंडरपुर में आ गए, अंदर तो नहीं जा रहे क्योंकि हमें शाम को घर वापस निकलना है। दे रही अपनी बाइक, कितनी अच्छी लग रही है देखो। सोलापुर तक की थी, मतलब 340 किलोमीटर की वीडियो थी। आगे की राइड हमारे भैया ने कहा कि तो उधर उस साइड का वीडियो हमारे पास नहीं है, पर ये वीडियो भी बहुत अच्छी है। सुबह सुबह हम निकले थे तो नज़ारे बहुत अच्छे थे। और बात करें तो स्कूटी की तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कोई दिक्कत नहीं आई राइड में। तो गाइस फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो 540 किलोमीटर जाने का हमें पड़ा 1200 तक हमारा खर्चा आ गया। उतना भी नहीं लगा होगा, लगभग 1000 तक का पेट्रोल हमें लगा होगा। और बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाड़ी ने, और फ्यूल भी माइलेज भी बहुत ठीक ठाक दिया, लगभग 50 के ऊपर का ही माइलेज दिया बाइक ने। और मैं आपको बता चाहता हूँ कि आपके पास ऐसी कम्यूटर बाइक है तो आप राइड कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में राइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे माइलेज देते हैं। आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती है जो 100 CC होती है, स्कूटियाँ होती है, बहुत अच्छे माइलेज देती है, और आपको आप इसे अफोर्ड भी कर सकते हो, और इससे लंबी लंबी राइड भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बड़ी बाइक ही होनी चाहिए राइड के लिए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके एनएस रोड किधर है, तो ये रहे हमारे एनएस रोड है, इस पर भी जल्दी वीडियो आने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।